हमारे देश में आज भी ईमानदारी राष्ट्रीय गर्व का विषय नहीं बन पाया है। इसकी वजह यह है कि भारत में बेईमानों की संख्या आज भी बहुत बड़ी है, लेकिन सरकार ने पिछले वर्ष 8 नवंबर को बेईमानों के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की थी, अब उसके अच्छे नतीजे आने लगे हैं। पिछले साल 8 नवंबर को ही सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी। आप सब जानना चाहते होंगे कि नोटबंदी के बाद हुआ क्या। सरकार ने आज नए आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि सरकार की मुहिम के बाद 91 लाख नए करदाताओं ने इनकम टैक्स जमा किया है। फिलहाल भारत में 5,17,00,000 लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। सोचिए, इतने बड़े देश में सिर्फ 5,17,00,000 लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं। इसके अलावा सरकार ने 18 लाख ऐसे लोगों की भी पहचान की है जिनकी आय उनके द्वारा जमा की गई रकम से मैच नहीं करती। सरकार इन लोगों की भी जांच कर रही है। सरकार के मुताबिक नोटबंदी के बाद से ई रिटर्न का चलन बढ़ा है। सरकार ने ऑपरेशन क्लीन मनी नामक एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। इस वेबसाइट पर जाने के लिए आपको अपने सर्च इंजन या ब्राउजर में www.cleanmoney.gov.in टाइप करना होगा। इस वेबसाइट पर सरकार इनकम टैक्स विभाग के छापों की रिपोर्ट्स सार्वजनिक करेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के मुताबिक नोटबंदी के बाद से 16,398 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। सरकार ने 1 लाख ऐसे लोगों की भी पहचान की है जिन पर टैक्स चोरी का शक है।